आज हम बना रहे हैं आलू की कढ़ी, जिसके लिए हमने आलू फ्राई कर लिए हैं और कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें हम धनिया डालेंगे, अब इसमें हम लाल मिर्ची डालेंगे, इसमें अब हम कड़ी पत्ता डाल देंगे, अब दो तेज पत्ते भी डालेंगे जिससे स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब हमारे मसाले भुन गए हैं, अब इसमें हम गरम मसाला, धनिया पाउडर और गरम मसाला और अमचूर तीनों चीज़ डाल देंगे। अब इसमें हल्दी, नमक, मिर्च स्वाद अनुसार डाल देंगे। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। अब इसमें हम ग्रेवी गाढ़ी होने के लिए थोड़ा सा टमाटर डालेंगे। अब इसमें हम जो हमने आलू फ्राई करके रखे हैं, ये चार आलू हैं, इसे हम डाल देंगे और थोड़ा सा मसाले के साथ भूनेंगे। अब हमारे आलू भून गए हैं लगभग। अब इसमें हम बेसन डाल देंगे जो हमने पहले से ही घोल के रखा हुआ है। हमने एक प्याली बेसन घोला है इसमें। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे।